कांग्रेस कश्यप ने भी आवाज उठाया था बिहारियों के लिए, खास करके छठ पूजा पे आनंद विहार टर्मिनल से। क्या हुआ? अपना दुर्भाग्य कि जो जो सही बोलेगा वो जेल में होगा। सबके साथ वही प्रॉब्लम है, लोग रोजगार यहाँ ढूंढ रहे हैं। हाथ उठाइए भाई, कितना लोग प्रॉब्लम। लेकिन दिल्ली उसको सप्ताह में एक सेकंड हो ना, तो इनका उम्र पढ़ने का, लेकिन ये रोजगार ढूंढ रहे, क्योंकि इनको पता है कि जिस राज्य में ये पैदा लिए हैं उस राज्य में इनको रोजगार नहीं मिलेगा, और इनको अपना रास्ता स्वयं बनाना नहीं बनाएंगे। रोजगार बिहार में नहीं है, बिहार में तो रोजगार के लिए जाइए तो लाठी खाइए, लाठी तक खाइए, हॉस्पिटल में एडमिट होइए। बिहार के लोग बाहर जाकर दूसरे के जीवन में बाहर ला देते हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें बिहार के लोगों के जीवन में कभी भी बाहर नहीं लेकर आती है। यहाँ के नेता जो है वो भ्रष्ट है, वो चाहते नहीं है कि गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़े। अगर वो चाह लेंगे कि गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़े, उस दिन ये बिहार बदल जाएगा। बैठा जी, यहाँ स्टेशन पर बैठने लोग आता है कि यात्रा करने के लिए लोग आता है। अरे उसकी जगह एक स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है तो बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं होती है। आज चार दिन छठ मनाने आए हैं, पांचवे दिन ये फिर से जो है ट्रेन में भर कर भेड़ बकरी की तरह दिल्ली जाएंगे, क्योंकि इनको पता है यहाँ रोजगार नहीं है। बैठा जी, यहाँ स्टेशन पर बैठने लोग आता है कि यात्रा करने के लिए लोग आता है। अरे उसकी जगह एक स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है तो बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं होती है। अडानी अंबानी सब जगह जो है वहां इन्वेस्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा। जब बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसे हमारे मासूम बिहारी भाई बाहर ना जाएंगे जी? पूछे ना कितना तकलीफ होता है इन लोगों को अपने त्योहार पर आने के लिए। बिहार के लोग बाहर जाकर दूसरे के जीवन में बाहर ला देते हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें बिहार के लोगों के जीवन में कभी भी बाहर नहीं लेकर आती है। अब कब आएगी? पूछे ना, आपके जीवन में बाहर है भैया? किसने बोला कि बाहर है? बाहर है आपके जीवन में, आपके जीवन में बाहर है, बाहर है आपके जीवन में, आपके जीवन में है, आपके जीवन। आज चार दिन छठ मनाने आए हैं, पांचवे दिन ये फिर से जो है ट्रेन में भर कर भेड़ बकरी की तरह दिल्ली जाएंगे, क्योंकि इनको पता है यहाँ रोजगार नहीं है, और यहाँ रोजगार नहीं है तो इसका सहारा जो है दिल्ली बनेगा। बिहार के लोग छठ मना रहे हैं दिल्ली में भी, वहाँ भी व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार सरकार भी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई है उद्योग बिहार में। होर्डिंग लगाने से अगर बिहारियों का उत्थान होता है तो मैं कहूंगा कि मैं 10 होर्डिंग लगवाता हूँ, बिहारियों का उत्थान होना चाहिए। होर्डिंग लगाने से जो उत्थान होता है, इंडस्ट्री लगाने से उत्थान होता है। स्टेशन पे आके बिहारियों के बारे में बोल रहे हैं, रेलवे के बारे में बोल रहे हैं। पिछली बार मनीष कश्यप ने भी आवाज उठाया था बिहारियों के लिए, खास करके छठ पूजा पे आनंद विहार टर्मिनल से। क्या हुआ? अरे भाई, आवाज उठाने से नहीं बदलेगा। अरे मनीष कश्यप ने आवाज उठाया पिछली बार, इसके बाद आवाज उठाया तो एकाध दो कुछ लोग तो जागृत हुए ना होंगे, कुछ तो बदला होगा ना। तो आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, तभी ना बदलेगा। हमारे साथ हमारे जेल में है, तो यही ना दुर्भाग्य कि जो जो सही बोलेगा वो जेल में होगा। चाहे मैं जो नेशनल चैनल वाले, आज तमाम चैनल जितना भी चैनल है सारे लोग ये दिखा रहे हैं कि बिहारी छठ में लोक आस्था का महापर्व जो है, उस छठ में बिहारी बिहार आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं दिखा रहा है कि बिहारी किस स्थिति में आ रहे हैं। अगर इस स्थिति में आ रहे हैं तो इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्यों आज आजादी के 75-77 साल बाद भी गुलामी वाला जीवन जीने पे बिहारी क्यों मजबूर है? ये क्यों नहीं? कितना उम्र हुआ तुम्हारा? 16 साल। तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? पटना से आ रहे हैं। कमाते हो ना? तो इनका उम्र पढ़ने का, लेकिन ये रोजगार ढूंढ रहे, क्योंकि इनको पता है कि जिस राज्य में ये पैदा लिए हैं उस राज्य में इनको रोजगार नहीं मिलेगा, और इनको अपना रास्ता स्वयं बनाना नहीं बनाएंगे। बिहार में रोजगार? बिहार में नहीं है कोई भी रोजगार। पढ़ने के उम्र में ये रोजगार ढूंढ रहे, सोचिए ना। ये चाचा पूछे कहाँ से आ रहे? चाचा हम द्वारा भोजपुर से। बिहार में तो रोजगार के लिए जाइए तो लाठी खाइए, लाठी तक खाइए, हॉस्पिटल में एडमिट होइए। शर्मसार बात है हमारे बिहार के, बड़े सौभाग्य की बात है। बिहार में विकास है नीतीश कुमार है। क्या विकास है? बिहार में विकास आप नहीं देख रहे हैं? नहीं विकास। आप क्या विदेश जाए? विकास नहीं होता है। विकास तब होगा जब यहाँ के लोग संपन्न और समृद्ध होंगे। ये बिहार आजादी के बाद संपन्न और समृद्ध था, लेकिन आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ के नेता जो है वो भ्रष्ट है। वो चाहते नहीं है कि गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़े। अगर वो चाह लेंगे कि गरीब किसान मजदूर का बेटा पढ़े, उस दिन ये बिहार बदल जाएगा। क्योंकि अगर गरीब का बेटा पढ़ लेगा, किसी पिछड़ा का बेटा पढ़ लेगा, कोई गरीब का बेटा पढ़ लेगा, तो वो अपने हक और अधिकार को समझ जाएगा। और वो नेता चाहते ही नहीं है कि कोई गरीब का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, कोई किसान का बेटा अपने हक और अधिकार को समझे, नहीं चाहते। आज नहाए खाए है, लोगों को शौक लगा है यहाँ रहने का। शौक है क्या तुम लोगों के यहाँ रहने का? नहीं ना जी, मजबूरी है इन लोगों का रहना यहाँ। पूछिए ना, मजबूरी है ना इनको यहाँ रह रहे हैं, पूछिए इनसे। प्रॉब्लम क्या है फेस कर रहे हैं आप? जो लोगों ने प्रॉब्लम को फेस किया है उनको कुछ मालूम होगा।
आप तो माइक लगा देंगे, हो गया ठीक है। प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, परसों 15 तारीख को रात में 11:30 बजे मैंने ट्रेन चढ़ा है ठीक है, जिसको छोड़ने का टाइम था 11:30 बजे पटना में, छोड़ी कितने बजे वो ट्रेन, कितने बजे, 5:30 बजे, अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:00 बज रहा हूँ, जस्ट आधे घंटे पहले वो ट्रेन छोड़ी है, उसमें एक सफर करने का ट्रेन कितना सीट कितना होता है एक बोगी में, 120 समथिंग 72 होती है ठीक है, 1 से 72 तक सीट होती है बैठने और सोने के लिए, उसमें आप एक बोगी में जाएंगे तो मिनिमम 300 लोग मिलेंगे आपको, जो एक वॉशरूम जाने का रोड नहीं होता है, वॉशरूम जाने का जगह नहीं होता है, छोटा सा दुकान है, 4 लड़का काम करता है, 5 स्टाफ हम रखे हुए हैं, उसको सप्ताह में एक सेकंड उसको सप्ताह में 3 दिन छुट्टी चाहिए, महीना में 6 दिन दुकान नहीं आएगा ठीक है, पटना मसौली से पटना काम करेगा उसको 10 दिन ड्यूटी नहीं आएगा, और दिल्ली पंजाब जाके कमाएगा, एक रूम में 10 गो रहेगा, और रोज दुकान रोज ड्यूटी करेगा, वहाँ ड्यूटी नहीं करेगा, वहाँ मन वहाँ डर है कि हमको मालिक निकाल देगा, यहाँ डर नहीं है, यहाँ घर रहेगा, राजनीति नहीं करने आता, हम सिर्फ आपका एक बात का जवाब दे रहे हैं ठीक है, बेरोजगारी है आपका कहना सही है, लेकिन उतना भी बेरोजगारी नहीं है, हम ही 4 को दुकान में स्टाफ रखे हुए हैं, दिक्कत कहाँ पे है, उसको महीना में 10 दिन छुट्टी चाहिए, आज फला दिन है तो आज फला दिन है तो आज फला दिन है, स्टाफ साथ वही प्रॉब्लम है, सबके साथ वही प्रॉब्लम है, लोग रोजगार यहाँ ढूंढ रहा है, हाथ उठाइए भाई, कितने लोग प्रॉब्लम, लेकिन दिल्ली, एक सेकंड बात हमको खत्म करने दीजिए, लेकिन दिल्ली पंजाब गुजरात लुधियाना जाएगा 2 दिन ड्यूटी नहीं जाएगा तो सेठ घर पे लाश मार के भगा देगा, निकाल देगा, यहाँ मसौरी बाकरगंज पटना में जो काम करता है ना, वो महीना में 10 दिन ड्यूटी नहीं आता, इंटरसिटी छूट गया तो पैसेंजर छूट गया, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, नहीं रोजगार का, ऐसा थोड़ी है कि पूरा पटना बेरोजगार है, पूरा बिहार बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं है, जो लोगों को सच में यहाँ काम मिलता है सही में अपना कार्य नहीं निभाते, 10,000 में दिल्ली काम करता है, 10,000 में दिल्ली में काम करता है, 30 दिन ड्यूटी करता है, क्या 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 मोदी जी बोला था कि हम बिहार को बदल देंगे तो कहा ना बदल कहा बदल दे लोग बताओ ना, बेरोजगारी है लेकिन इंसान को चाहत होना चाहिए काम करने का, ऐसा भी नहीं है कि सब भूखे मर रहा है, लोग भूखे मर रहा है, अभी तो बिहार में नौकरी भी मिल रहे हैं, पहले मोदी जी कितना दिन हमको नहीं मिला, अब जिसको मिला उसको मिला, उसको छोड़ो, 1,20,000 आदमी को अभी हमको नहीं मिला, हम तो 1,20,000 कितनी गिनती करवाई गई है पता है, वो पता है 1,20,000 कितनी गिनती करवाई गई है पता है, इतने दिन से किसकी सरकार थी, बीजेपी की थी ना, तो इतने दिन से कहाँ थे, इतना पत्रकार मैं